भगवान क्या करते हैं और भगवान का स्वभाव क्या है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार लोग नाना प्रकार की व्याख्याएं करते हैं, और वो परमात्मा में सब व्याख्याएं ठीक है, लेकिन गीता में भगवान स्वयं अपना स्वरूप बताते हुए और इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां यात्वा मां ज्ञात्वा शांतिं रक्षति। भगवान कहते हैं कि जीव का परम लक्ष्य शांति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। तो परम शांति का उपाय बताया कि तुम हमारे बारे में जान लो बस। ऐसा विश्व के किसी धर्म में नहीं है कि खाली भगवान को जान लो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। वहां बताया जाता है उनके शरणागत हो या उनके अनुयायियों के शरणागत हो, या ये विधियां हैं, इस ग्रंथ के अनुसार आपको व्यवस्था करनी है। लेकिन गीता अद्भुत शास्त्र है, कहता खाली ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति, मुझे जान करके ही तुम शांति की प्राप्ति कर लोगे। कैसे जाने? तो भगवान भोग का हेका लगाते हैं। तो हमारे ब्रजवासी तो 56 तरह के भोग लगाते हैं, बल्कि और बढ़ के भी लगाते हैं। कोई केले का छिलका भी लगा देता है, कोई बेर खिला देता है, जूठे जूठे, कोई खिचड़ी ही खिला देता है, और भगवान सब खाते हैं कि हम लोगों ने कथा सुनी है। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं, मैं भोक्ता काहे को हूं, तो यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्या ये मेरे दो भोजन हैं, और जो मुझे बड़े प्रिय, भोक्तारम भोगने वाला, यज्ञ तपसा। तो यज्ञ किसे कहेंगे? तो यज्ञ का तात्पर्य है प्रदान करना, सबको प्रदान करना। अगर हवन को ही माध्यम बनाओ तो हवन में जो सेवा करनी है उनको पंडाल बनाना है, उनको मंडप बनाना है, लकड़ी इकट्ठी करनी है, पाई करनी है, वेदी बनानी है, तो यज्ञ के माध्यम से उनको प्राप्त होता है। दुकानदार भाइयों को वो जब घी देते हैं, तंदूर देते हैं, तिल देते हैं, शर्करा इत्यादि देते हैं, कपड़ा इत्यादि देते हैं, उनका भोग हो जाता है। रक्षा के लिए आओ माई डियर, तुम्हारा स्वागत है, वाह वाह वाह। तो रक्षा के लिए भी जो लोग नियुक्त होते हैं उनको भी भोग प्राप्ति होती है। और ब्राह्मण देवता, कोई अध्वर्यु है, कोई हवन करता है, कोई ब्रह्मा है, तो कोई मंत्र पाठ करता है, तो ये सब करने वालों को अभी भोजन होता है। तो ये इन सब रूपों में भगवान ही भोगता है। ये एक सामान्य स्वरूप बताया गया कि आप जो भी दे रहे हो वो भगवान के लिए दे रहे हो। यद करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यत, ये सबका सब मम अर्पणम करो, ये यज्ञ हो गया।
माने अपना अभिमान राहित्य पूर्वक भगवत सेवार्थ जो भी प्रदान किया जाता है वही यज्ञ है। और तपस्या का तात्पर्य है हम अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करने, अपनी आवश्यकताओं का न्यूनतम करने का तात्पर्य अपनी वासनाओं को न्यूनतम करें। तो जिनकी वासनाएं जितनी न्यूनतम हैं, जिनकी आकांक्षाएं जितनी न्यूनतम हैं, जितना भोग की सामग्री का स्वीकरण न्यूनतम है वो उतना बड़ा तपस्वी है। भगवद गीता में तपस्या का तात्पर्य है अपने में संयम रखना, वाणी का संयम, नेत्रों का संयम, रसना का संयम, जिह्वा का संयम। तो अगर जो संयमी है और जो परोपकार के लिए निरंतर संलग्न है वो उसकी समस्त चेष्टाएं भगवान का प्रिय भोज्य है, भगवान उन्हें स्वीकार करते। बड़े भगवान बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते। भगवान करते क्या हैं? तो भगवान सर्वलोक महेश्वर है, इस समस्त चराचर जगत के महेश्वर माने सबसे बड़े पूज्य, वही इस लोक के कर्ता भी हैं, वही इसके भर्ता भी हैं और वही इसके संघर्ता भी हैं। ये उनका महेश्वरत्व है। इतना सब भगवान करते हुए उनका स्वभाव है सुहृदं सर्वभूतानां। भगवान सबके सुहृद हैं। सुहृद माने मित्र, माने हितैषी। क्योंकि भगवान ने रामायण में कहा है ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, क्योंकि सबके सब मेरे उपजाए हुए हैं इसलिए सबके सब मुझे प्रिय। जैसे माता को अपनी हर संतान प्रिय, वैसे भगवान को अपनी हर संतान प्रिय है। तो ये भगवान का स्वभाव है। भगवान जो भगवान की सेवा करते केवल उनका ही भरण पोषण नहीं करते हैं, जो भगवान की निंदा करते उनको भी भगवान भोजन और पानी, आकाश वायु सब प्रदान करते हैं। जो उनकी निंदा करते हैं उनको भी निंदा करने की सामर्थ्य आखिर मिलती तो भगवान से। भगवान कोई पक्षपात नहीं करते हैं कि ये मेरी पूजा कर रहा है तो इसको ये, और ये हमारी निंदा कर रहा है तो इसके संग, ऐसा नहीं। आहार विहार मैया सबको जैसे देती है ऐसे भगवान भी सबको आवश्यकता की अनुसार आपूर्ति करते हैं। जो भगवान के इस स्वभाव को जान जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि सब भगवान के हैं, भगवान सबके सुहृद हैं भगवान, तो इसलिए भगवान से अधिक अगर हम भगवान के जनों को मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो वो भगवान अपनी सेवा स्वीकार करके अति प्रसन्न होंगे। हम अपना अभिमान न्यूनतम करके, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम करके, अपनी समस्त चेष्टाएं
भगवान को अपना उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, संघर्ता अत्यंत प्रिय समझते हुए, सुहृद समझते हुए, जो कुछ भी हमारी चेष्टाएं हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वमदर्पणम्। तो भगवान का अगर स्वभाव मालूम पड़ जाए, उमा राम स्वभाव जी जाना, ताही भजन तय भाव न आना, तो भगवान के स्वभाव को जान लेने से, वास्तविक रूप से जान लेने से, अनुभव कर लेने से मनुष्य की प्रत्येक चेष्टा में अंतर हो जाएगा। समस्त दुखों का कारण मोह है, वो मोह निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है सब कुछ भगवान का है। जब मोह निवृत्त हो गया तो वो द्वेष भी निवृत्त हो जाएगा, क्रोध भी निवृत्त हो जाएगा। तो ये जो क्रम बना हुआ है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संघा संजायते कामा कामात क्रोधात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहात सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये जो सीढ़ी की गति है, ये उल्टी होकर के प्रयास से भगवान की सन्निधि को प्राप्त कर लेता है और परम शांति की अनुभूति करता है। कहीं स्वर्ग में, वैकुंठ में, या परलोक में, या अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में ही वो परम शांति की उपलब्धि कर लेता है। केवल भगवान के स्वभाव को जानना है कि भगवान सबके सुहृद हैं, इस संपूर्ण जगत के महेश्वर हैं और हमारे किए हुए सत्कर्म को स्वीकार करते हैं, यज्ञ और परमात्मा आप सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। केवल इस प्रकार से उनको जान करके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। परमात्मा आप सबका मंगल करें। जय श्री।